अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, बात करते हैं हम जोहा ब्यूटी ब्लॉग के लेटेस्ट ब्लॉग की, उसके ऊपर रिएक्शन की। थंबनेल देखें, कितनी अपसेट वाली तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। बहुत परेशान है, अपसेट हैं। कहीं कहीं से ये वाली वाइब आ रही है कि ये शर्मिंदा हैं कि इन्होंने जो है किसी के साथ इतना बुरा किया, किसी के लिए इतना बुरा बोला, और फिर अब जब इनके साथ थोड़ी सी अपने साथ बुरी हुई तो फिर ये शर्मिंदा हो गई। लेकिन लेकिन शर्मिंदा होने वाले तो ये मटेरियल नहीं है। हमारे सामने काफ़ी सारी इस पार्टी की और एग्जांपल्स रखी हुई हैं जिनमें लोग बदलते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा पक्के होते चले जाते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना घर की सेटलमेंट दिखाई, घर की शिफ्टिंग में जो फैलाया हुआ सामान था, टूट फूट और अनसेटल्ड चीज़ें, तो मेरे ख्याल में तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी। इससे अच्छा था बैठ के कोई जैसे अपने स्टाइल में ये वीडियो बनाती हैं। आज फाउंडेशन भी लगाया हुआ था और कह रही थी मैंने सनब्लॉक लगाया है, तो जाहिर है वो कल इतना हॉरिबल सब लग रहा था तो आज फिर फाउंडेशन चले, अच्छी बात है। अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लिया, लेकिन घर का नहीं था, बेड वेड सेट किया हुआ था, बिस्तर सारा, घर जाहिर शिफ्टिंग पास जल्दी बिखरा फैला होता है। और जो चोरी का सिलसिला था उसमें आखिर में वो बोल रही थी कि सब लोगों के इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आपको सितारा की आह लग गई है, सितारा की बद्दुआ लग गई, इसलिए आपकी चोरी हुई है। तो ये तो छोटी सी चोरी है। वो कह रहे हैं कि नशे ही हिरोची दीवार टाप के तो वो आ जाते हैं और चीज़ें उठा के ले जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, इस पे तो सितारा की आह पे तो कुछ बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा जब आहें लगती हैं किसी बेगुनाह के साथ, आप करते हैं गलत, ज़्यादती, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पर ये कह रही हैं। और चीज़ जिस मौके मजाक उड़ा रही है कि जी देखो लोग कह रहे हैं कि तुमने बुरा किया है तो इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तो मैंने कोई बुरा नहीं किया और मेरे साथ कोई बुरा हुआ भी नहीं है उनके हिसाब से। अब बुरे की जो है ना, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, आपकी मेरी अलहदा होती है, बुरे को आप क्या समझते हैं और बुरे को मैं क्या समझती हूँ। तो ये बुरा नहीं है, वो कह रही हैं कि ये मेरी गलती थी और मैंने ख्याल नहीं रखा था। असल में वो जिस एरिया में घर है ना, अब एरिया तो उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया, अब आपको पता है कराची में अगर हैं वो या पिंडी में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी दूर दराज गैर आबाद इलाके में लगता है उन्होंने घर बनाया हुआ है। और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त कोई बड़ा अच्छा सा लैविश सा घर होगा, लेकिन जो है ये तो बहुत छोटा सा जाके उन्होंने, अच्छा एक बच्ची है ना इनके हस्बैंड, एक बच्ची और ये हैं फुल फैमिली, तो ये छोटा सा घर इन्होंने बनाया। चलिए अच्छी बात है, घर बन गया। और सितारा की आह का अगर है इनको कहीं अंदर अंदर डर खौफ लिहाज के वो आएगी मुझे और वो कभी आह लग भी जाएगी तो फिर वो ये सारी चीज़ें नहीं करती। वैसे ही उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, हर चीज़ का मजाक बनाया हुआ है। और कह रही थी कि नेक्स्ट वीडियो में होम टूर आएगा। अच्छा चले, फिर डिटेल में हम इनका घर देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। और आज ये हुआ कि कम अज़ कम सितारा को गालियाँ नहीं पड़ी, वो बच गई इनकी गालियाँ खाने से, वरना वो तो रूटीन होता है ना डेली का कि सितारा को गालियाँ दे दिए बगैर इनका चूरन नहीं बिकता, इनका गुजारा नहीं होता। ये नहीं होता तो फिर अजीब व गरीब सा थंबनेल लगा देती हैं, जैसे अभी इन्होंने थंबनेल लगाया है कि वो वाला कि मुझे सितारा की बददुआ लगी है इसलिए मेरे साथ ही हो गया, और हंस रही थी और कह रही थी कि ये आप लोगों की गलतफहमी है कि मैं किसी बददुआ के हिसाब किताब में आने वाली हूँ, इस चीज़ को मैं वैल्यू नहीं देती हूँ। जी, इस चीज़ को वैल्यू नहीं देती हैं और डरती शरती नहीं है बल्कि डराती हैं अपनी तरफ से, डरना चाहिए है। जो ये चीज़ें इन्होंने की हैं लास्टली, जो बैठ बैठ के इन्होंने बोला है उस पे डरना चाहिए है, लेकिन नहीं डरेंगी। अभी देखें ना, जैसे बेबू भी अपनी उसी रूटीन के ऊपर फिर वापस आ गई और उन्होंने कोई मतलब उस चीज़ से शर्मिंदगी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं ली, वो वापस उसी पॉइंट पे आ गई हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो लोग कहते हैं हम सही हैं। एक और हैं इनके हेटर, मेरी उनसे बात हुई है तो वो कहती हैं कि ये हैं और ये ख़राब हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि किसने बताया और कहाँ से निकला, तो सब यही YT से निकला है जो आके इन्होंने ऑनलाइन बोला है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। मैं तो फिर वही एक ही बात करूँगी ना, जब आप अपने घर में बैठ के कोई चीज़ होगी और उसको लोग देखेंगे, आप दिखाएंगे तो लोग वही देखेंगे ना जो आपके अपने घर में हुई भी होगी बात, उसको अगर आप बताएंगे कि जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को कि कल रात को क्या हुआ था, किसी को कैसे पता चलेगा। जब वो सारा सीन पार्ट हो गया तो तसल्ली नहीं हुई है अभी भी ना, चीज़ें बहुत मैसी हो गई हैं, अगली हो गई हैं, वो वाली फैन फॉलोइंग नहीं रही है, वो वाली इम्प्रूवमेंट नहीं रही है,
तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सबका अपना अपना चल रहा है। अच्छा मुझे ये मैं सोच रही थी कि ये जो स्पोर्टर्स हैं ये किधर से निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, इनको किसने कहा है कि आ जाओ तुम जो है सपोर्ट करो, मतलब इनको किसने बोला था कि आएं आप खड़े हो जाएं जी इस बंदे को सपोर्ट करें, इस बंदे ने जो भी बात की है जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं और इनमें कोई झूठ जो है वो नहीं है। खुद ही से जो है ना वो पैनलिस्ट भी और इस तरह से इस सारी ब्लेम में पार्टिसिपेशन भी और फिर इस नतीजे पे भी पहुंच गए हैं, खुद ही फैसला भी कर लिया और खुद ही जो है ये तहैया कर लिया कि ये पर्सन जो है इसका 70% फॉल्ट है और वो पर्सन जो है उसका 30% फॉल्ट है, और फिर उसके ऊपर जो है वो इस सिलसिला चल पड़ा है ना। अभी वो एक मतलब स्नैरियो बन गया है, लोगों को पैसे आना शुरू हो गए हैं, उस पैसे के ऊपर फिर प्रॉपर्टीज़ बनना शुरू हो गई हैं, तो फिर कैसे कोई बैक ऑफ हो, फिर नहीं होगा ना। अभी तो बहुत आगे जाएंगे, घर में जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी है, नया फर्नीचर आएगा, सेटलमेंट होएगी, तो वो सारा जो सिलसिला है वो तो चलेगा ही चलेगा ना, तो फिर रुक नहीं सकता ना। फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी इसके हाल पे तरस खा लें और इसको बख्श दें और वो फिर आपको तरस भी आ जाए। अब अपनी ज़रूरतें भी तो उसमें आ गई हैं ना, तो वो पूरी करना तो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये वाला सिलसिला जो है ये तो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ गैप थोड़ा सा आ सकता है इसमें, जैसे छोटे छोटे गैप्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक आ जाते हैं लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी तो जी बियाली का भी चैनल बन गया हुआ है और बियाली के चैनल को 8,000 सब्सक्राइबर्स 2 दिन में, तो ये वाली कम्युनिटी है, ये इस तरह के लोग हैं इसी तादाद में, 33-34 हज़ार की तादाद में, जो कि चाहते हैं कि ये वाली बातें ये वाली डिस्कशन इस तरह से हों और सिलसिला चले और ये वाली डिस्कशन हो। अब जाहिर है लोग इसके ऊपर खुश राजी होते हैं, इसको चाहते हैं कि ये सिलसिला चले तो चलाए रखते हैं। अभी देखते हैं कि नया जो गंद का पिटारा होगा इसमें, इनकी लाइव्स में जो है ना वो होता है बहुत ज़्यादा गंदी और डर्टी बातें होती है वीडियो से भी ज़्यादा। अभी मैंने तो बियाली की वीडियो नहीं देखी, लाइव ही का था वीडियो अंदर जाके, तो पॉइंट ऑफ व्यू तो यही सेम है ना इनका, इसी बात के ऊपर ये डटे हुए हैं और इसके ऊपर बुनियाद बनी और फिर अब घर बन गए। अब ऐसे घर मुबारक कैसे साबित होंगे, यहाँ पे तो फिर ऐसे घरों में कदम रखते ही चोरियाँ और यही हिसाब किताब होगा जो हो रहा है, लेकिन मानना नहीं है किसी ने। वो कह रही हैं कि उनकी अपनी गलती थी, सेटलमेंट में उन्होंने गलत रखा था, चीज़ें यहाँ की वहाँ थी, उधर की इधर थी, इसलिए गलत हो गया, वरना उन्होंने कुछ गलत किसी और के साथ नहीं किया जिसके किए कि उनको सज़ा मिले। चलें देखते हैं कब तक ये वाली रियलाइजेशन नहीं होती। क्या कोई, मैं तो नहीं कहती किसी का ज़्यादा बड़ा नुकसान हो, तो क्या कोई ज़्यादा बड़े नुकसान का इंतज़ार किया जाएगा और फिर समझ में आएगा कि हाँ ये गलत हुआ है। अभी देखें बेबो वापस आ गई और हस्बैंड भी मान गया, पता नहीं हस्बैंड भी ड्रामे का हिस्सा था, जाहिर है पैसे आते हैं तो हस्बैंड साथ मिल जाते होते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन में वो वापस अपने रूटीन में आ जाती हैं बैठ के। उन्होंने कहा है कि रिएक्शन वीडियो आएगी, होम टूर भी आएगा और पैसे भी आएंगे, तो कोई किसी से नहीं डरता है, जब अल्लाह का डर नहीं है तो फिर किसका डर होगा। ये जो ऊपर बैठा है वो उसको हिसाब भी तो जाके देना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।